रेगिस्तानी इलाके का एक ऐसा देश है जहां सालों साल तक भी बारिश की एक बूंद गिरना भी मुश्किल होता है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 16 अप्रैल को दुबई में इस कदर बारिश हुई जिससे देश में महज एक दिन की बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण यूएई के प्रशासन ने 16 अप्रैल को लोगों से घरों में रहने की ही अनुरोध किया। साथ ही स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का इत्मीनान किया गया। सरकारी कर्मचारियों से भी घरों से कार्य करने का कहा गया। बारिश की वजह से एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो सेवा तक मुतासिर थी। इससे न सिर्फ दुबई का हवाई यातायात मुतासिर हुआ, बल्कि सड़क के रास्ते भी लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। इससे यूएई के सातों इमीरात में सामान्य गतिविधि एक रुक सी गई थी। इसे पिछले 75 वर्षों में यूएई में सबसे ज्यादा हुई बारिश बताया जा रहा है। वहीं यूएई की सरकारी मौसम एजेंसी ने इसे ऐतिहासिक मौसम घटना करार दिया है। इस बीच यूएई की तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तो वहीं अभी दुबई के आसमान के हरे होने का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, अभी दुबई में भारी बारिश, लाइव फुटेज में आसमान हरा हो गया है, पूरा शहर धूल भरा दिख रहा है, हैशटैग दुबई हैशटैग बारिश। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, आमतौर पर जब आकाश ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वहां बवंडर आ रहा है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, वहां सुपर सेल बवंडर रंग है, मैंने इसे दक्षिण पश्चिम अमेरिका के रेगिस्तानों में भी देखा है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नगरी।